आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, जीएसटी के अंदर एक सर्कुलर आया, सर्कुलर नंबर 237, जिसमें बात की गई कि जो सेक्शन 16(4) का जो आईटीसी का इशू था उसे कैसे कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो इस सर्कुलर में पूरे डिटेल से बताया गया। सर्कुलर 15 अक्टूबर को आया था। आशा करता हूँ आप सब लोगों को सर्कुलर की कॉपी मिल गई होगी। अगर किसी को अभी तक सर्कुलर की कॉपी नहीं मिली है तो आप हमारी टीम से व्हाट्सअप करके ये सर्कुलर की कॉपी ले सकते हैं। अगर आपको कभी भी सेक्शन 16(4) का नोटिस आया है या आपकी कोई डिमांड है 16(4) को लेकर, तो ये सर्कुलर आपके लिए जरूरी है। तो इन्होंने क्या बोला कि क्लैरिफाइंग द इशू रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 16। तो आपको पता होगा कि 16(4) का जो टाइम लिमिट का इशू था उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट दो सेक्शन लेकर आई थी। एक सेक्शन था हमारा 16(5) और एक सेक्शन था 16(6). तो ये दोनों सेक्शनों को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और ये जो सेक्शन दोनों इम्प्लीमेंट किए गए, ये कब से इम्प्लीमेंट किए गए? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो मतलब ये वाले जो सेक्शन थे ये बैक डेट से थे, ठीक है ना? तो ये वाले जो सेक्शन थे ये आपके दोनों सेक्शन बैक डेट से हमारे लॉ के अंदर डाले गए। कैसे? वाइड सेक्शन ऑफ 118 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2024 में ये वाले दोनों सेक्शन आए थे, जिसमें इन्होंने बोला था कि भाई जो टाइम लिमिट है 16(4) की, हम उसे रेस्ट्रोपेक्टिव डेट से बढ़ा रहे हैं स्पेसिफाइड केस में। तो ये इन्होंने पहले पूरा 16(4) लिखा। 16(4) का जो टाइम लिमिट था वो क्या कहता था कि भाई आप नवंबर तक क्लेम कर सकते हो या एनुअल रिटर्न, विच एवर इज अर्लियर। लेकिन जब 16(5) को लाया गया तो इन्होंने 17, 18, 19, 20 और 21 के लिए क्या टाइम लिमिट दी गई? 30 नवंबर 2021, ठीक है। 16(6) का डिस्कशन अभी बाद में करते हैं, ठीक है ना। साथ में इन्होंने एक चीज और लिखी, अगर भाई आपको कभी भी 16(4) की वजह से कोई डिमांड आई थी और आपने उसे पे कर दी, तो अब हम उसका रिफंड आपको नहीं देंगे। ये वाली बात भी इन्होंने कही थी, ठीक है। अब मुद्दा ये आया कि सर अब हमारे को इसका बेनिफिट्स मिलेगा कैसे? तो यहाँ पर जो इसका बेनिफिट्स है इन्होंने बताया है कि किस तरीके से इसका बेनिफिट मिलेगा। पहली चीज इन्होंने बोली, वेयर नो डिमांड नोटिस स्टेटमेंट हैज बीन इशूड, कि भाई अगर आपको कोई भी ना तो नोटिस आया ना कोई डिमांड आई सेक्शन 73 में ना 74 में, तब क्या करना है? उन्होंने कहा देखो, अगर आपको कोई नोटिस नहीं आया, अगर आपको कोई ऑर्डर नहीं आया, कोई डिमांड नहीं आई, तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारा जो केस है अभी प्री कंसल्टेशन स्टेज पे चल रहा है, मतलब DRC 01A आया हुआ है खाली। तो उन्होंने बोला अगर आपके पास खाली DRC 01A आ गया इस सेक्शन के इम्प्लीमेंट होने से पहले, तो ऑफिसर को क्या करना है? कॉग्नाइज करना है, ठीक है ना। ऑफिसर को क्या करना है? इसका संज्ञान लेना है कि भाई अब ये लॉ चेंज हो चुका है और ये लॉ बैक डेट से चेंज हो चुका है। तो अगर उसने DRC 01A दे भी दिया है पुराने लॉ के हिसाब से, तो वो इसे कंसीडर करते हुए उसमें आगे कोई प्रोसीडिंग ना करे। अब यहाँ पर क्या हुआ है, कई कई केसेस में क्या हो चुका है 16(4) की टाइम लिमिट के बाद तुमने ITC लिया है तो उसे नोटिस आ चुका है। तो जब नोटिस आ चुका है तो इसका मतलब क्या है? मैटर जो है एडजुडिकेशन में पेंडिंग है। तो उन्होंने कहा जब मैटर एडजुडिकेशन में पेंडिंग है तो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो सबसेक्शन 5 या सबसेक्शन 6 के मैटर को टेकअप करे और उसके हिसाब से अपना डिसीजन दे, ठीक है ना। तो उसमें कोई डिमांड ना बनाए। इन्होंने क्या लिखा है कि अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करे। यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करने का मतलब क्या है कि जो सेक्शन 16(5) और 6 आया है उसे कंसीडर करते हुए करे। इसके बाद क्या, एक केस ऐसा हो सकता है कि भाई आपको नोटिस इशू हुआ था, ठीक है ना, और आपको ऑर्डर भी इशू हो गया था। अब उस ऑर्डर को लेकर आप अपील में चले गए, लेकिन अपील का मैटर अभी पेंडिंग है। तो इन्होंने क्या लिखा है कि भाई आपको ऑर्डर इशू हो गया और आप सेक्शन 107 के अंदर अपील में गए हुए हो, तो उन्होंने कहा भाई अपील में भी तो GST ऑफिसर है, तो वहां पर वो भी जब अपना उसका ऑर्डर पास करे तो 16(4) का संज्ञान जरूर ले, 16(5) जो नया आ गया है उसे कंसीडर करे। अब मुद्दा ये आता है, जब मैं अपील में गया था तो अपील में जाने के बाद मैंने 10% डिपॉजिट करा था, तो क्या सर मुझे वो 10% मिलेगा रिफंड? आंसर इज यस, मेरे हिसाब से आपको वो 10% का रिफंड मिलेगा। तो अगर आपका मैटर अपील में पेंडिंग है तो ऑफिसर को बोलो कि भाई इसकी सुनवाई जल्दी करे,
और क्या कहते हैं हमारे मैटर को खत्म करे 16-5 को संज्ञान लेते हुए। अब कई बार ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये रिविजनल अथॉरिटी का है, इसे मैं डिस्कस नहीं कर रहा। कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई जहां पर ऑर्डर पास हो गया, ठीक है ना, बट नो अपील, ठीक है ना, अगेंस्ट सेड ऑर्डर हैज बीन फाइल्ड, लेकिन आपने क्या करा उसके अगेंस्ट में कोई अपील ही फाइल नहीं करी, ठीक है ना। ऑर्डर आपके पास रखा हुआ है लेकिन आपने उसके पास अपील फाइल नहीं करी, अब उस ऑर्डर का क्या करोगे। तो उन्होंने कहा इस चीज के लिए अगर आपके पास ऐसा कोई ऑर्डर है तो आप क्या करो, रेक्टिफिकेशन फाइल कर दो। कितने दिनों के अंदर रेक्टिफिकेशन फाइल करनी है? 6 महीने के अंदर रेक्टिफिकेशन फाइल करनी है, ठीक है ना। जब से हमारी ये नोटिफिकेशन आई 8 अक्टूबर 2024 से लेकर, आप इसके लिए एक रेक्टिफिकेशन फाइल कर दो कि भाई हमारे को ना ये जो आपने ऑर्डर दिया है इसमें जो 16-5 को कंसीडर नहीं किया और अब लो चेंज हो गया है और लो चेंज हो गया 16-5 आ गया है तो हमारे को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए और ये ऑर्डर आपने पास करा इसे रेक्टिफाई करो। तो ऑफिसर क्या करेगा, रेक्टिफिकेशन कर देगा। रेक्टिफिकेशन कैसे करनी है, पोर्टल पर जाना है और पोर्टल पर जाकर डैशबोर्ड में, सर्विस में, यूजर सर्विस में, माय एप्लीकेशन में जाओगे और वहां पर न्यू एप्लीकेशन जब टाइप करोगे तो उसके बाद आपको जो भी ऑर्डर आएगा ऑर्डर पर आप चले जाना और इनिशिएट रेक्टिफिकेशन पे चले जाना। ऑर्डर जो आपका शो हो रहा होगा, अगर आपको ऐसा कोई ऑर्डर आया हुआ है तो ऑर्डर के बाद रेक्टिफिकेशन पर चले जाना, आपका ये रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। तो ये पूरा सर्कुलर, ठीक है ना, ये पूरा सर्कुलर जो हमारी मैगजीन आएगी इस महीने की, उसमें हम डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फिर भी मैंने आपको काफ़ी हद तक बता दिया है, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना और हमारी मैगजीन आप सब्सक्राइब जरूर करा लेना। और इस बात को और समझना, इस बार ना मैं NIRC के इलेक्शन लड़ रहा हूँ। NIRC का इलेक्शन तुम्हें पता ही है, ठीक है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, लेह, लद्दाख, जो भी वहाँ के CA हैं वो वोट कर सकते हैं। वोटिंग डेट क्या है, 6 दिसंबर और 7 दिसंबर। जहाँ पर 1000 से ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर हमारी 7 दिसंबर है, बाकी जगह पर मतलब 1000 से ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पर दोनों दिन है 6 और 7 दिसंबर और बाकी जगह पर सिर्फ 7 दिसंबर है। तो अगर आप का कोई जानकार CA है या आप खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो मेरा बैलेट नंबर है 15, तो बैलेट नंबर 15 पे फर्स्ट प्रेफरेंस वोट देकर मुझे जिताएं, ठीक है, धन्यवाद।